hi everyone how are you doing today i hope everybody is doing fine namaste to everyone so last time i told you in my introduction video that my channel is not going to be yoga centric so today i wanted to talk to you about uh, some different topic uh, actually i have been I a प्लान कर रही हूँ बट मैं मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए या बात नहीं करनी चाहिए बट फाइनली आई डिसाइडेड टू टॉक सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज कल हमारे देश में एक केस है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है आई एम श्योर यू ऑल अवेयर ऑफ़ दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ़ दैट वो केस है श्रद्धा मर्डर केस श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस सो so, उससे रिलेटेड बहुत सारे सोशल आई मीन बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जो शायद हमें डिस्कस करने चाहिए या शायद हमारे यूथ को उसके बारे में सोचना चाहिए बिफोर यू गो अहेड फॉर एनी रिलेशनशिप आप किसी भी रिलेशनशिप में जब एंटर कर रहे हैं तो उससे पहले शायद ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ज़रूर और बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए क्योंकि इसमें एक एक लड़की एक बहुत ही यंग लड़की है उसकी जान जा चुकी है एंड इट वॉज़ रियली वेरी वेरी ब्रूटल मर्डर वेरी ब्रूटल मर्डर इट्स सच हीनियस क्राइम जब पहली बार जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे ये विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या कोई भी व्यक्ति जो किसी से इतना प्यार करता है या कभी प्यार में था क्या वो उसको इतना ब्रूटली मार सकता है तो जो पहला जो पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आज की डेट में हमारा जो यूथ है वो इतना एक्सट्रीम क्यों है मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब प्यार है तो प्यार में भी इतना एक्सट्रीम और जब उसके बाद नफ़रत में बात आ जाती तो नफ़रत भी इतनी एक्सट्रीम कि आप किसी को इतनी निर्दयता के साथ आप उसको मार देते हैं तो ये सारी चीज़ें शायद हमारी सोसाइटी को और हमारे यूथ को इस पर विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आई डोंट वांट टू मेक वेरी लॉन्ग वीडियो सो आई आई वॉन्ट टू मेक इन टू थ्री पार्ट्स सो टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन विज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विध यू द सोशल कॉजेज एंड अ लिटिल बिट ऑफ यू नो द बैकग्राउंड ऑफ़ द ऑफ़ दिस होल सन्ैरियो सो वॉट क्या हुआ था सो so ये जो पूरी कहानी है ये शुरू हुई थी बॉम्बे से आई थिंक 2018 थाउजेंड एंड एटीन आई थिंक टू जब श्रद्धा किसी कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए किसी जॉब uh, करने के लिए कहीं मुंबई में शिफ्ट हुई थी और वहीं पे उसकी जो मुलाकात है वो इस लड़के से हुई थी uh, आफ्ताब जिसका नाम है और धीरे धीरे फिर उनकी नजदीकियाँ बढ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर धीरे धीरे प्यार और परवान चढ़ा और फिर वो लोग एक साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया <coughs> अच्छा उन्होंने एक साथ रहना शुरू कर दिया तो अभी भी हमारी सोसाइटी इसको इतनी ओपन हार्टली एक्सेप्ट नहीं करती है लिविंग को अभी भी हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है तो पहली पहली चीज़ जब पेरेंट्स को पता चलती है कि आ, उनका बच्चा इस तरह से किसी के साथ लिव इन में रह रहा है कोई लिव इन कर रहा है तो सबसे पहले तो पेरेंट्स होते हैं जो अपनी दूरियां बढ़ा लेते हैं अब एक तरह से उनको एक थ्रेटन करने के लिए कि अगर ये सब करा तो हमारे साथ रिलेशन ख़त्म हो जाएगा और वो एग्जैक्टली exactly वही इस केस में भी हुआ था जब उसे अपने पेरेंट्स की का सपोर्ट नहीं मिला तो वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से और सब लोगों से फिर उसने कट ऑफ कर लिया श्रद्धा ने और वो धीरे धीरे अपना रहने लगे उसने अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लिया पहले थोड़ा आइसोलेट किया फिर धीरे धीरे क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे तो ये लोग साथ में रहने लगे उसके बाद कुछ टाइम आई थिंक सब कुछ ठीक था उसके बाद ये जो अब्यूज़ और वर्बल अब्यूज़ फिज़िकल अब्यूज़ तो ये जो मैंने मैंने अपनी जो रिसर्च की है उसमें पता चला है कि वो फिज़िकल अब्यूज़ तो तभी शुरू हो गया था बॉम्बे से ही शुरू हो गया था उसको काफ़ी मारता पीटता था उसको मैंने सुना कि उसको जो सिगरेट के जो ऐशेज़ होते हैं वो ऐशेज़ से उसको जलाता था तो ये सब तो बॉम्बे से चल रहा है और जब ये सब चीज़ें बॉम्बे में शुरू हुई थी तो ये सबसे पहला रेड फ्लैग था सबसे पहला ये रेड फ़्लैग था कि आ, जहाँ श्रद्धा को ये सीरियसली सोचना चाहिए था कि आ, मुझे इसके साथ आगे क्या करना है मुझे कंटिन्यू करना है मुझे नहीं करना है मुझे आ, अलग हो जाना है कोर्स अलग होना ही सबसे बेस्ट उसका सोल्यूशन होता जो कि अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं दूसरा कारण है क्यों डिसीजन मेकिंग उस वक्त इतनी कमज़ोर हो गई थी या हो जाती है क्योंकि आप एकदम अलग हो जाते हैं आपके जो पुराने दोस्त हैं आपके अपने पेरेंट्स हैं वो आप लोगों से जब यू नो जब आपसे एकदम से कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं वो आपके साथ रहना नहीं आपके साथ किसी भी तरह के कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आप सही डिसीजन लेना आपकी डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी होती है आप इतना इनसिक्योर हो जाते हैं उस टाइम पे और जब आप इनसिक्योर होते हैं वही वक्त होता है जब आप सबसे ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो कुछ ऐसे ही हुआ था उस लड़की के साथ भी तो फिर क्या हुआ धीरे धीरे उसने खुद को कट ऑफ किया सब सब लोगों से जो दोस्त तो आपके इतने पुराने दोस्त हैं यार जो इतने सालों से तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हें हर तरह से सपोर्ट किया तुम्हें हर तरह से तुम्हें एडवाइस करते हैं पेरेंट्स जो जो इतने सालों से तुम्हारे साथ हैं साथ खड़े हैं और एक लड़का कोई आया दो साल पहले तीन साल पहले वो कैसे इतना ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप सब कुछ छोड़ देते हैं उसके बाद जो डिज़ास्टर था जो डिज़ास्टर हुआ वो हुआ जब उसने अपना टाउन छोड़ा जब उसने अपना बॉम्बे छोड़ा बॉम्बे छोड़ के वो कहीं और शिफ्ट हो गई आई मीन दिल्ली शिफ्ट हो गई तो वहाँ पे और ज़्यादा उसका डोमिनेंस बढ़ा लड़के का वो और ज़्यादा डोमिनेंट हुआ और फिर उसने और ज़्यादा उसको आ, क्या कहते हैं उसको सप्रेस करना शुरू किया काफ़ी काफ़ी फ़िज़िकल वायलेंस था काफ़ी कुछ था और उसमें एक जो इनिशियली जो 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 इस लड़के का जो आफ्ताब का जो स्टेटमेंट है उसका ये कहना है कि उसने फ़्रस्ट्रेट uh, होके क्योंकि श्रद्धा बार बार शादी की बात करती थी तो इस वजह से उसने एक दिन गुस्से में उसका मर्डर कर दिया तो मेरा ये क्वेश्चन हमारे जो यंग जो यंग युवा हैं जो लड़के लोग हैं मेरा उनसे ये है कि अगर आपको कोई इतना परेशान कर रहा है आप रियली really, आप यू कैन नॉट टेक इट सो so, किसी की जान लेने से अच्छा है आप अलग हो जाओ ना आप आप भाग जाओ वहाँ से आप उस पूरे उस सरकमस्टांसेस से आप एकदम भाग जाइए आप मत करिए मत रहिए आप उसमें आ, उसको इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा उसको ख़राब और इतना अब्यूसिव करके उसमें से आप कोई भी एक पार्टनर एक दूसरे की जान ले रहा है क्यों करते हैं आप ऐसा एस, करने की मतलब नौबत क्यों आई मैं ये मुझे ये समझ में नहीं आता दूसरी बात श्रद्धा श्रद्धा के लिए तो मतलब वो लड़की काफ़ी बोल्ड थी उसका उसके जो दोस्त हैं जिन्होंने उसके बारे में उसकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन किया है अगर हम उनकी बात सुने तो शी वॉज़ अ बोल्ड एंड वेरी स्ट्रांग गर्ल वो ऐसे नहीं थी कि उसको कोई भी इस तरह से यू नो you know, दबा सकता है या उसको मेंटली और फिज़िकली वो टॉर्चर हो सकती थी वो काफ़ी स्ट्रांग लड़की थी फिर भी वो कैसे इस दलदल में फंसी और कैसे उसने Uh, कैसे वो फंसती चली गई मतलब फिर वो एक लिमिट के बाद वो निकल ही नहीं पाई वो निकल ही नहीं पाई एंड शी एंडेड अप यू नो शी एंडेड अप सेक्रीफाइस हर ओन लाइफ तो प्लीज़ इस इस वीडियो में एक मैसेज है और वो मैसेज ये है कि आप लोग प्यार में हों आप लोग जो भी करते हैं लेकिन आप अपने आप को सोशली कनेक्टेड रखिए आप बात करिए अपने पेरेंट्स से आप बात करिए अपने दोस्तों से वो दोस्त जो काफ़ी सालों से आपके साथ हैं आपने हर सुख दुख में आपने हर खुशी हर दुख उनके साथ शेयर किया है आप उनके साथ रहिए आप उनको इस तरह से आप उनको यू you नो know, वो मत करिए उनको कट ऑफ मत करिए कि जब आप खुद इतनी बड़ी मुसीबत में हैं तो आपके पास कोई भी नहीं है आप आपको कोई सही एडवाइस देने वाला नहीं है आपको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है तो पहला 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 तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा मत करो यार ये ये जीवन इतना कीमती है ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है ये जीवन इस तरह से ख़त्म करने के लिए नहीं है या तो ज़्यादा होता है तो आजकल लोग सुसाइड कर लेते हैं वो नहीं, नहीं लव अपना एक फेलियर इन लव अगर वो नहीं झेल पाते वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर कोई पार्टनर किसी को मार देता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मार देता है तो मैं बस मेरा आप लोगों से यही है कि संवाद हमेशा बना के रखिए अपना संवाद को संवाद को ख़त्म मत करिए अपने अपने जीवन को इम्पोर्टेंस दीजिए क्योंकि ये जीवन सबसे बड़ा है इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है हो सकता था आज से अगर ये सब चीज़ें ना होती अगर श्रद्धा वहाँ से निकल गई होती हो सकता था आज से दो या तीन साल बाद उसके उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत जीवन उसका रास्ता देख रहा होता वो कुछ बहुत अच्छा कर सकती थी वो अपने करियर में भी काफ़ी अच्छा कर रही थी तो हमेशा ये सोचिए कि ये जीवन बहुत बड़ा है और ये जीवन बहुत अच्छा है बहुत सुंदर है ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है ये इस तरह से वेस्ट करने के लिए ये जीवन नहीं है आप जो हमारे देश के यूथ हैं उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है यार मतलब देश को भी उम्मीदें हैं कि आप देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे आप कुछ अच्छा करेंगे सोसाइटी के लिए वो तो सब कुछ नहीं हो पाता है और इस तरह से वे इस तरह से वेरी पेनफुल लाइक व्हेन आई सी ऑल दिस हैपनिंग इट्स इट्स रियली इट्स रियली पेनफुल सो सो वन रिक्वेस्ट प्लीज अपने अपनों को मत छोड़िए चाहे कोई कोई भी रिश्ता आपके लिए कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो पर अपनों के साथ रहिए अपनों से कनेक्टेड रहिए उनसे बातचीत करते रहिए और पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज ये आता है कि ठीक है आपको वो बात पसंद नहीं है जो कभी कभी आपको नहीं पसंद है कि जो आपके बच्चे कर रहे हैं आप उससे अग्री नहीं करते लेकिन लेकिन आप उनसे पूरी तरह से मुँह मत मोड़िए आप उनके साथ रहिए आप उनको ठीक है आपने अपनी असहमति दिखा आपने अपनी असहमति जता दी कोई बात नहीं ठीक है पर उसके साथ साथ आप उनके साथ बातचीत करिए आप उनको एकदम अकेला मत छोड़िए कि वो उस परिस्थिति में ये सोचे कि हम तो अकेले हैं हमारा कोई नहीं है वो किसके पास जाएंगे फिर तो इसमें हर एक के लिए मैसेज है उसमें और यूथ है उनके लिए भी मैसेज है बच्चों के लिए मैसेज है पेरेंट्स के लिए मैसेज है और दूसरी बात है जो दूसरा एक जो मतलब मैं जो देख रही हूँ इतने दिनों से और पढ़ रही हूँ उसमें ये दिखता है कि वो लड़का इतना फियरलेस था उसको किसी चीज़ का डर नहीं था उसको कोई पुलिस से डर नहीं है आजकल क्यों लोगों में पुलिस का डर ख़त्म हो गया है आजकल क्यों लोग यू नो you know, रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते ये एक ये एक अलग से एक विषय है जिसके ऊपर हम बहुत लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं दूसरा इसका एक एस्पेक्ट ये है कि आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन कितना स्ट्रांग है आप स्पिरिचुअली कितने स्ट्रांग हैं क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो लोग स्पिरिचुअली काफ़ी बैलेंस्ड स्ट्रांग होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड होती है उनका उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो काफ़ी बैलेंस होता है वो इस तरह से अपनी जो उनकी जो लाइफ है वो उसको इस तरह से यू uh, नो you know, uh, बहने बहते चले जाने जैसा वो नहीं करते हैं मतलब आई आई कैन नॉट फाइंड द करेक्ट वर्ड टू डिफाइन बट दे आर वेरी वेरी बैलेंस्ड इन देयर लाइफ वो कोई भी डिसीजन इस तरह से आँख बंद करके और इस तरह से वो कभी कभी नहीं लेंगे तो क्या हमें थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्या हमें अपने आप को एक एज अ बैलेंस्ड इंडिविजुअल हमें अपने आप को ग्रो नहीं करना चाहिए सो मे बी इन माई नेक्स्ट वीडियो आई कैन टॉक अबाउट इट But before that, I have a very uh, polite request to all of you that मुझे इसे किसी भी तरह का religious uh, uh, religious कलर uh, नहीं देना है इसे किसी भी तरह से रिलीजियसली ना जोड़ें इंटर रिलीजन इंटर रिलीजन लव अफेयर करके ना जोड़ें और अपने कॉमेंट्स प्लीज डिग्निफाइड कॉमेंट्स रखें यू आर माई फैमिली माय सब्सक्राइबर्स आर लाइक माय फैमिली इसीलिए मैं इतनी हिम्मत के साथ इस टॉपिक पे आप लोगों से बात कर पाई हूँ सो so, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कमेंट करते समय थोड़ा सा आ, ये ध्यान रखें कि किसी की ए, किसी के फीलिंग्स हर्ट ना हो दैट्स इट आज के लिए इतना ही अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई यूट्यूब चैनल थैंक यू वेरी मच